नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं फोर व्लॉग्स। तो गाइज, आज की वीडियो सीरीज़, जैसा कि आपको पता है कि हम मीटियोर 350 गाड़ी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस निकाल रहे हैं, तो इसी सीरीज़ में आज हम एक और बहुत ही हैंडी वीडियो आप सबके लिए लेकर के आए हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की हेडलाइट का बल्ब ख़राब हो जाता है, आपके पास स्पेयर बल्ब है लेकिन आपके पास कोई मैकेनिक नहीं है जो उसको चेंज कर सकता है, तो गाइज आप कैसे अपने उस बल्ब को चेंज करके और अपनी ट्रैवल को कंटिन्यू कर सकते हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी गाड़ी पे और करते हैं वीडियो स्टार्ट। इस बल्ब को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास होना चाहिए एक 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर। अब मेरे पास तो जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर भी है, वैसे अगर आपके पास नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर जो आपकी टूल किट में प्रोवाइड होता है, आप उससे भी ये काम कर सकते हैं। तो गाइज, इसमें आपको करना ये है कि यहाँ पर एक बोल्ट होता है इधर, ये देख सकते हैं आप, और सिमिलरली एक और बोल्ट होता है इस साइड में। तो हम ये दोनों बोल्ट्स को खोलेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। तो ये गाइस देखिए, कुछ भी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ बहुत ही आराम से इसमें, ये देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये देखिए, बहुत ही छोटा सा बल्ब है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पेच नहीं होता है। लेकिन अब इसमें यहाँ पे आपको एक संभाल के खोलने की ज़रूरत ये है कि जब आप ये दूसरा बोल्ट खोलेंगे गाइस, तो ये अचानक से हेडलाइट ड्रॉप ऑन कर सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा संभाल के इस बल्ब को खोलने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने ये देखिए आपसे बोला, ये देखिए मैंने दूसरा बल्ब भी खोल लिया है और अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने आराम से ये हेडलाइट आपकी बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए गाइज, इसको आपको ऊपर से, गाइज याद रखिएगा कि ये आपकी हेडलाइट का लॉक ऊपर होता है, आपको ऊपर पहले ऐसे पहले नीचे से बाहर खींचना है और धीरे से इस हेडलाइट को ऐसे करके बाहर खींच लेना है। और ये देखिए आपकी हेडलाइट बाहर आ चुकी है। अब इसमें आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। ये देखिए, ये है आपका वो DRL रिंग का सॉकेट, ये है आपका बल्ब का सॉकेट, और अगर आपको बल्ब बाहर निकालना है तो आपको बहुत ही प्यार से धीरे से इस सॉकेट को धीरे से ऐसे करके निकाल देना है। निकालने के बाद आपको इसमें धीरे से इसको पकड़ के इसको धीरे से अलग करना है, बहुत सॉफ्टली, ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पिन उठी हुई है, आपको इस पिन को प्रेस करके यूँ बाहर खींचना है। ये पिन आपने प्रेस करके यूँ बाहर खींच ली और बाहर खींचने के बाद आप जैसे ही आप ये पिन बाहर आ जाएगी, आप गाइस इस बल्ब को यहाँ से धीरे से स्नैप आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें से ये बल्ब जो कि है ओसराम का, ये मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया है गाइस। ये देखिए आप देख सकते हैं, कंपनी का बल्ब है, जेन्युइन तो ओसराम कंपनी का बल्ब है जो कि प्रोवाइडेड होता है। और अगर आपको ये बल्ब वापस लगाना है तो आपको ये इंश्योर करना है कि इसमें ये 3 पिन होती हैं, तो ये जो पिन है ये हमेशा टॉप पे रहेगी। तो गाइस, इसको लगाने का भी तरीका अगेन इट इज़ जस्ट द सेम, आपको इस पिन को हटाना है अलग, बहुत ही प्यार से आपको धीरे से इसमें इस बल्ब को रखना है। ये देखिए आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पिन जो होती है ये बल्ब को होल्ड करती है, तो इसलिए इसमें आपको थोड़ी सी समस्या आएगी इसको सेट करने में। तो ये देखिए मैं अभी सेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये बल्ब जो है मैंने इसके अंदर सेट कर दिया है और अब मैं इसको धीरे से अंदर सेट कर, इंस्टॉल करने से पहले अब मैं इसको बैठा दूँगा इस बल्ब को अंदर। ये देखिए ये बल्ब इसमें मैंने फिट कर दिया। ये देखिए ये बल्ब के तीनों सॉकेट, ये देखिए तीनों एक दूसरे में बैठ चुके हैं। उसके बाद आपको करना सिर्फ ये है कि आपको दोबारा से इस पिन को प्रेस करना होगा, जैसे कि ये इनिशियली आप प्रेस करते हैं, आप इस पिन को दोबारा प्रेस करेंगे और ये ले जाके इस तरीके से आप इसमें लॉक कर देंगे। ये देखिए बल्ब इसमें लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद आपको दोबारा से ध्यान रखना है कि आपको धीरे से करके इस कैप को यहाँ पर धीरे से आपको वापस लगाना है, ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बहुत डेलिकेट काम होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे
ये देखिए, ये आपको वापस लगाना है। अब इसको वापस लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको ऊपर हेडलाइट में लॉक लगाना है। ये ऊपर हेडलाइट लॉक हो गई, उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे ये आपने एक साइड का पहले गाइस पहले आप ना हाथ से स्क्रूज़ को कस लीजिएगा। अगर आप हाथ से स्क्रूज़ को कस लेंगे तो आपको समस्या जो है ना वो काफ़ी कम होगी। ये देखिए, तो ये मैंने दूसरा स्क्रू भी इसी तरीके से कस दिया है। अब क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर है तो मैं इसको टाइट करते समय यूज़ नहीं करता हूँ, लूज़ करते समय यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको धीरे से इसको हेडलाइट को पकड़ के ये देखिए मैंने इसको टाइट कर दिया है। सिमिलरली अब मैं इस साइड भी वही काम करने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने इसको बहुत ही प्यार से ये देखिए, अब ये हेडलाइट मेरी बैक टू स्क्वायर हो चुकी है। अब मैं इसको आपको एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ गाड़ी कि हेडलाइट मेरी जल रही है कि नहीं। ये देखिए, DRL रिंग मेरी जल गई है, मैंने गाड़ी ऑन की। ये देखिए, हाई बीम भी जल रहा है और ये देखिए लो बीम भी जल रहा है। तो हाई बीम लो बीम बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड वर्किंग। तो गाइस, ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिससे आप खुद अपनी गाड़ी का हेडलाइट का बल्ब बदल सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।